हम एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही घराने के लोग हैं। आपका और मेरा घराना यीशु मसीह का घराना है। हम मसीह घराने के लोग हैं, हम यीशु मसीह के घराने के, यीशु मसीह के परिवार के लोग हैं। प्रियो, कितनी आनंद की बात है प्रियो कि इस घराने के अंदर न तो कोई जाति है न कोई धर्म है। इस घराने के अंदर केवल एक ही बात है, वो है यीशु मसीह। आप और मैं यीशु मसीह के समान होने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं अंश अंश करते हुए यीशु मसीह में बदलते चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई भी बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई समस्या नहीं है, स्वर्ग में कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए प्रियो, जब आप और मैं स्वर्गीय बातों के भागी हो चुके हैं, जब हम स्वर्गीय वस्तुओं के भागी हो चुके हैं, तो प्रियो अब हमारी जिंदगी में बीमारी का कोई स्थान नहीं रहा, अब हमारी जिंदगी में समस्याओं का कोई स्थान नहीं रहा, अब हमारी जिंदगी में निराशा का कोई स्थान न रहा। प्रियो, अब हमारी जिंदगी में अब वो स्वर्गीय आनंद है, वो स्वर्गीय आशीष है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, और आप और मैं उसमें बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया, सभी लोग कहें हालेलुया। प्रियो, तैयार रहिए इन अंत के दिनों में, बुरे समयों में, जबकि शैतान खुल्लम खुल्ला अब अपने कार्य को कर रहा है। प्रियो, हम भी जो यीशु मसीह के घराने के हैं, हम भी जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, अब हम भी तैयार हो जाएं शैतान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। प्रियो, आज के संदेश को बड़े ही ध्यान से सुनना है। आज का संदेश का जो मेरा टॉपिक है वो अलौकिक जीवन शैली है। आज आप और मैं अलौकिक जीवन शैली के पार्ट 7 में आ चुके, 7वें भाग में आ चुके हैं। मतलब 7 हफ्तों से लगातार आप और मैं, 6 हफ्तों से लगातार आप और मैं अलौकिक जीवन शैली के ऊपर मैं स्टडी कर रहे हैं। आज अलौकिक जीवन शैली के 7वें भाग में आप और मैं आ चुके हैं। मेरा बिलीव है कि आज भी आप अलौकिक बातों को अपनी जिंदगी में देखेंगे। प्रियो, आज भी मैं आपको शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली बातों को सिखाने वाला हूँ। आज भी मैं आपको जादू टोनों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली बातों को सिखा रहा हूँ। प्रियो, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये जो अभी दिन चल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जादू टोना, तंत्र मंत्र और दुष्ट आत्माओं के कार्यों को, भूत सिद्धि वाले कार्यों को किया जाता है। इन दिनों में सबसे ज्यादा व्यभिचार वाले कार्यों को आप अपने आसपास के इलाकों में देखेंगे। इन दिनों में सबसे ज्यादा आप बुरी घटनाओं को देखेंगे। प्रियो, इसलिए मैं आप लोगों को तैयार करना चाहता हूं कि जब कभी आपको नींबू मिर्ची, जब कभी आपके घर के आसपास कोई जादू टोना किया जाता है, तो कैसे आप उन जादू टोनों के मुकाबला कर सकते हैं, कैसे आप उन दुष्ट आत्माओं का मुकाबला कर सकते हैं, कैसे वो अंधकार की शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं, कैसे आप उन विरोध की शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं, मैं आपको तैयार करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको परमेश्वर के वचन से तैयार करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप तैयार हो जाइए। आपको तैयार होना है, ये लड़ाई आपको लड़नी है, ये लड़ाई में आपको मजबूत होना है, ये लड़ाई में आपको तैयार होना है। इसलिए प्रियो, ये संदेश जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यहां पर प्रचार किए जाते हैं, उसमें हमारी उम्मीद, हमारी आशा और हमारा विश्वास यही होता है कि हम आपको किसी न किसी तरीके से तैयार कर सकें ताकि आप शैतान और उसके राज्य को नष्ट कर सकें। मेरे साथ कहिए, मैं इसलिए इस दुनिया में आया, ताकि शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकूं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकूं। सुनिए, मेरा जन्म, मेरा जन्म शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए हुआ है, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए हुआ है। बोलिए, मेरा जन्म, मेरा जन्म शैतान के कार्यों को, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए हुआ है, करने के लिए हुआ है। और आज से मैं, आज से मैं शैतान और उसके कार्यों को, शैतान और उसके कार्यों को नष्ट करूंगा, नष्ट करूंगी। प्रियो, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आती कि लोग शैतान के कार्यों को नष्ट करने से पहले किस बात का इंतजार करते रहते हैं। आप किस बात का इंतजार करते हैं जबकि शैतान आपके घरों में खुल्लम खुल्ला काम कर रहा है, वो शराब के द्वारा काम कर रहा है, वो व्यभिचार के द्वारा काम कर रहा है, वो बीमारियों के द्वारा काम कर रहा है, वो समस्याओं के द्वारा काम कर रहा है, वो झगड़े और डिप्रेशन के द्वारा कार्य कर रहा है। लेकिन उसके विरोध में हम काम करने से पहले किस बात का इंतजार करते हैं या किस बात की अगुवाई प्राप्त करते रहते हैं? आपको शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए किसी प्रकार की अगुवाई की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार ये पानी पीने से पहले मैं अगुवाई को नहीं मांगता, ये पानी पीने से पहले मैं घुटने टेककर प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि प्रभु ये पानी को पीऊं या ना पीऊं, क्योंकि परमेश्वर ने ये पानी को इसलिए बनाया ताकि आप और मैं उसे पी सकें। परमेश्वर ने भोजन को इसलिए बनाया ताकि आप और मैं प्रार्थना के साथ उसे खा सकें।
इस पानी को पीने के लिए अब मैं बैठ कर खुदा के वचन की या खुदा की अगुवाई को प्राप्त नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया है ये पानी तुम्हारे पीने के लिए होगा, ये भोजन तुम्हारे खाने के लिए होगा। और प्रियो, आप और मैं अब पानी के लिए घंटों बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते ये पानी पियो न पियो। उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं कि शैतान के कार्यों को नष्ट करने से पहले आपको किस बात की अगुवाई चाहिए होती है, जबकि परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए, मैंने तुम्हें तैयार किया, मैंने तुम्हें नियुक्त किया, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें ठहराया, मैंने तुम्हें खड़ा किया है ताकि तुम शैतान के कार्यों को नष्ट कर सको। व्हाई यू आर वेटिंग, क्यों इंतजार करते रहते हैं हम लोग? बोलो, उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे कुछ कारण है कि लोग इंतजार क्यों करते हैं, इंतजार क्यों करते हैं? आज मैं सिखाने वाला हूं, नोटबुक निकाल लीजिए। और मेरा बिलीव है आज ही आप अपने घर से सारी बीमारियों को भगा देंगे, झगड़ों को भगा देंगे, गरीबी को भगा देंगे, जादू टोनों को भगा देंगे, समस्याओं को भगा देंगे। आज रोने वाले लोग नहीं होंगे यहां पर, आज जयवंत लोग होंगे। परमेश्वर रोने वालों की सेना नहीं बना रहा है, परमेश्वर विजयी सेना बना रहा है। विजयी जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। आप और मैं यदि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विजय हमसे दूर है, हम विजय के करीब नहीं है। बोलो, एक विजयी व्यक्ति, एक विजय व्यक्ति आनंद से दिखाई देगा, आनंद से दिखाई देगा। एक जीत वाला व्यक्ति, उसके चेहरे पर आनंद होगा, चेहरे पे आनंद होगा। और हारने वाला हमेशा मुंह लटकाए हुए होता है। आपका और मेरा चेहरा बताता है कि हम जयवंत हैं या हारे हुए हैं। प्रियो, मैं अक्सर देखता हूं कि लगभग 90% लोग जो मेरे संपर्क में आते हैं उनके चेहरे लटके हुए होते हैं, वो अपनी तकलीफों को ही बताया करते हैं, इसके बजाय कि मैं उनके चेहरों पर उस आनंद को देखूं जो यीशु मसीह के चेहरे पर था, जो चेलों के चेहरे पर था, जो आज आपके और मेरे चेहरे पर है, उस आनंद को देखना चाहता हूं मैं। लेकिन समस्या क्या है, शैतान ने बहुत ज्यादा जड़ों को मजबूत कर लिया है ताकि लोग किसी भी रीति से आनंदित ना हो पाए। आज घर खुद का है लेकिन आनंद नहीं है, आज घर में खाने के लिए भोजन लेकिन आनंद नहीं है, आज पीने के लिए पानी लेकिन आनंद नहीं है, आज पैसा जेब में, अच्छी नौकरी लेकिन आनंद नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम विजय जीवन से दूर हैं। Come on चर्च, मैं आज आया हूं ताकि आपको विजय जीवन में लेकर चलूं। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं विजय जीवन जीने के लिए? क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो शेयर कीजिए, अपने सारे लोगों को बुला लीजिए कि आइए आज विजय जीवन को जीने वाले हैं हम लोग। मैं आपको विजय जीवन जीने की चाबियां देने वाला हूं मेरे भाइयों बहनों। अब मैं किसी का चेहरा लटका हुआ ना देखूं, क्यों लटका हुआ चेहरा रहे हमारा? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे संघर्ष हैं, मेरे जीवन में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, लेकिन प्रियो उन संघर्षों को लेकर, उस स्ट्रगल्स को लेकर मैं रोता हुआ नहीं बैठता हूं। थोड़े समय के लिए आंसू निकलते हैं, थोड़े समय के लिए दुख होता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को खड़ा करता और तैयार करता हूं, इस आशा से तैयार करता हूं कि मेरा यीशु मसीह आज भी जिंदा हो, मेरे लिए परिस्थिति को बदल देगा। मेरे जिंदगी में भी समस्या आती है, मेरी जिंदगी में तकलीफ आती है, मेरे जिंदगी में भी स्ट्रगल्स आते हैं, लेकिन मैं उन तूफानों को देखकर रुकता नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह की नाव में बैठने वाले लोग तूफानों को देखकर रुकते नहीं है, तूफानों में वो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, बोलो, मसीही जीवन धारा के विरोध में तैरना है, धारा के विरोध में तैरना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में अक्सर आपने मछलियों का वर्णन देखा है। प्रियो, मैं मछलियों को बहुत करीबी से जानता हूं, लेकिन मछलियों के जीवन से एक बात मैंने देखी है, मछलियां हमेशा धारा के विरोध में तैरती हैं। धारा इधर बह रही है, मछली धारा के विरोध में तैरती है, कभी भी मछली पानी के इस बहाव में नहीं बहती। मछलियों के अंदर एक कैरेक्टर, एक गुण होता है, वो धारा के विरोध में कितना भी बाढ़ आ रखी हो नदी के अंदर में, वो बाढ़ जिस साइड से उस धारा के विरोध में तैरना शुरू करती है, वो धारा के साथ बहती नहीं है। आप हिस्ट्री पर चेक कर लीजिएगा, आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा, मछलियां हमेशा धारा के विरोध में तैरती हैं। प्रियो, आपका और मेरा जीवन भी धारा के साथ, बीमारियों के साथ, समस्याओं के साथ, तकलीफों के साथ बह जाने वाला ना हो, लेकिन उनके विरोध में काम करने वाला हो। प्रियो, हम उसके विरोध में आगे बढ़ते हैं।
हालेलुया। जाइए मछलियों से सीखिए, मछलियों से एक छोटी सी बात को सीखिए। मछलियां छोटी जरूर होती हैं, लेकिन उन्हें पता है मेरे परमेश्वर ने उन्हें धारा के साथ तैरने के लिए नहीं बुलाया है, उन्हें धारा के विरोध में तैरने के लिए बुलाया है। प्रियो, आप और मैं संसार के साथ बहने वाले लोग नहीं है, संसार की चकाचौंध में बहने वाले लोग नहीं है, बीमारी दुर्बलता कमजोरी में बहने वाले लोग नहीं है। संसार जिधर बह रहा है हम उधर नहीं बहते, हम संसार के विरोध में आगे बढ़ना शुरू होते हैं। प्रियो, हम संसार के विरोध में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं आज तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? प्रियो, आज हम सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल के पार्ट 7 में पहुंच चुके हैं। सब लोग तैयार रहेगा, मैं अद्भुत बातों को रिबोना मासाकला ब्रेंड डेले अद्भुत प्रकाशनों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप धारा के विरोध में खड़े हो सकें, शैतान के विरोध में खड़े हो सकें, तूफान के विरोध में खड़े हो सकें, और अंधकार को अंधकार के हाकिम की आंखों में आंखें डालकर कह सकें कि मेरे परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़िए ना थोड़ा सा 16 और 17 उत्पत्ति, सॉरी प्रेरित काम 3 अध्याय 16 और 17 पद। पढ़िए। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुमने देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। पढ़ी फिर से। और उसी के नाम से। प्रियो, हमने देखा 16 पद में कि पत्रस बता रहा है कि यीशु मसीह के नाम से ही ये लंगड़ा चल पाया है। अब मैं आगे बताना चाहता हूं कि क्या अब सिचुएशन आने वाली है। पढ़िए आगे 17 पद। और अब हे भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं, पत्रस यहां पर पत्रस और यूहन्ना अपने साथियों को भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं। मैं भी कहना चाहता हूं, हे मेरे भाई और बहनों आप और मैं मसीह में भाई और बहन हैं। आप और मैं अब मसीह में एक ही परिवार के लोग हैं। आप और मैं मसीह में भाई और बहन हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, हारा हुआ कमजोर जीवन अब नहीं चलेगा। उठ खड़े हो जाइए इन अंतिम दिनों में और शैतान के राज्य को नष्ट कर दीजिए। आज शैतान ने बहुत सारी आत्माओं को कैद में कर लिया है। आज बहुत सारे लोग व्यभिचार के कैद में हैं, आज बहुत सारे लोग शराब के कैद में हैं, आज बहुत सारे लोग फैशन के कैद में हैं, आज सारे बहुत सारे लोग टीवी की कैद में, मोबाइल्स की कैद में, फेसबुक और व्हाट्सएप की कैद में चले गए। आज बहुत सारे लोग गुलामी में चले गए हैं और शैतान ने उनकी आत्माओं को गुलाम बना रखा है। बोलो, इसलिए पत्रस कह रहा है, हे मेरे भाइयों, हाँ हे मेरे भाइयों, अब हे मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसे ही तुम्हारे सरदार ने भी किया। सुनिए, बोलो अज्ञानता में किया। मैं बताना चाहता हूँ, अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है। अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है। यहाँ पर हम देखते हैं अज्ञानता के कारण। बोलो, अज्ञानता मीन्स इग्नोर करना। आज बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं वचन को। बहुत सारे लोग आज लाइव मीटिंग को इग्नोर कर रहे हैं। बोलो, लाइव मीटिंग सामने चल रही है और उसको इग्नोर कर रहे हैं। प्रार्थना चल रही है, इग्नोर कर रहे हैं। बाइबल को इग्नोर कर रहे हैं। खुदा के काम को इग्नोर कर रहे हैं। आज खुदा का कलाम बताता है कि आज बहुत सारे लोग इग्नोरेंस में है, इग्नोर कर रहे हैं। बोलो, इग्नोरेंस, इग्नोर कर रहे हैं, अज्ञानता में है। ग्रेटेस्ट सीन आज के समय में जो बड़ा पाप है वो है इग्नोरेंस, इग्नोर करना। आज ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, आज वचन हर जगह चल रहा है, प्रार्थनाएं चल रही है, आपके व्हाट्सएप पर रोज प्रभु के वचन आते हैं, आपके हाथों में बाइबल है, आपके पास में प्रेयर करने के लिए समय है, लेकिन आज आप और मैं कहीं ना कहीं इग्नोरेंस के अंदर में हैं। लेकिन प्रियो, ये अज्ञानता कहीं शैतान के लिए द्वार न बन जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अज्ञानता शैतान के लिए खुला द्वार होता है। प्रियो, जब जब लोग अज्ञानता में होते, इग्नोरेंस में होते हैं, वे लोग शैतान के लिए खुला द्वार छोड़ देते हैं। क्या आज आप अज्ञानता के कारण शैतान के लिए खुला द्वार छोड़ रहे हैं? आज आप इग्नोरेंस के कारण क्या शैतान के लिए खुला द्वार छोड़ रहे हैं? यह लिखा है, And now, brethren, I know that you act in ignorance just as your rulers.
did also. मैं जानता हूं कि तुमने यह काम अज्ञानता के कारण किया है, तुमने यह काम अज्ञानता वश किया है। होसे 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा आज नाश में और गुलामी में चली गई है। आज प्रियो लोग बीमारी में चले गए क्योंकि उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। आज लोग नशे में चले गए क्योंकि उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि यीशु मसीह उन्हें स्वतंत्र करने आया है। आज लोग बंधवाई में चले गए हैं, वो इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने आजाद करने आया है। आज लोग व्यभिचार में चले गए हैं क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज लोग गरीबी में अपने जीवन को बिता रहे हैं क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह ने उन्हें आशीषित किया है। आज इग्नोरेंस के कारण में, आज अज्ञानता के कारण में, आज लैक ऑफ नॉलेज के कारण में, ज्ञान की कमी के कारण में आज लोग तकलीफों में है। प्रियो आपको बताऊं, मैं आप तकलीफ में इसलिए नहीं कि खुदा आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, आप तकलीफ में इसलिए क्योंकि आप जानते ही नहीं कि यीशु ने क्या किया है आपके और मेरे लिए। क्या आप जानते हैं यीशु ने आपके और मेरे लिए क्या किया? हम जानते ही नहीं है, इसलिए आज तकलीफों में हैं। आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको खुदा पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यह कहने की जरूरत नहीं खुदा तू मेरी आवाज को क्यों नहीं सुन रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मेरा परमेश्वर गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपसे मुझसे बात करता है, परमेश्वर आपको और मुझे आवाज देता है, परमेश्वर आपकी और मेरी आवाज को सुनता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज इग्नोरेंस के कारण, आज अज्ञानता के कारण, आज लैक ऑफ नॉलेज के कारण में लोग नाश हो रहे हैं। आज आप गरीबी में नाश हो रहे हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है। आज बीमारियों में नाश हो रहे लोग क्योंकि उन्हें पता ही नहीं यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आज हमारे प्रचारक भी ये नहीं सिखाते, उल्टा वो विरोध करते हैं चंगाइयों का, छुटकारों का विरोध करते हैं, जबकि बाइबल बताती है कि आज लोग तकलीफों में क्यों हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में चंगाइयां नहीं है, छुटकारे नहीं है, आशीष नहीं है। वेडनेसडे मीटिंग में आपने देखा, एक भाई के लिए हमने प्रार्थना किया था, वो खड़े नहीं हो पाता था, वो चल नहीं पाता था, चलने में उसको बहुत पेन होता था। आपने लाइव मीटिंग में, वेडनेसडे लाइव मीटिंग में इस बात को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसे दर्द के बंधन से आजाद किया, किस प्रकार परमेश्वर ने उसे बंधनों से आजाद किया। प्रियो यीशु मसीह लोगों को बंधनों से आजाद करता ताकि वे लोग शैतान की गुलामी से आजाद हो सके और प्रभु के राज्य में चल सके। यह लिखा है, हे मेरे भाइयों तुमने काम अज्ञानता से किया। कितने लोग हैं आज अज्ञानता के कारण आज शैतान के गुलाम बन रहे हैं, कितने लोग हैं आज इग्नोरेंस के कारण। आज वे लोग चर्च सभाओं को इग्नोरेंस में लेकर गए हैं, इग्नोर कर रहे हैं चर्च सभाओं को। आज लाइव मीटिंग में इस हमारे प्रेयर टावर से बहुत सारे लोगों को कॉल्स किया लेकिन उन्होंने इन कॉल को इग्नोर कर दिया। प्रियो ये इग्नोरेंस का हिस्सा आप एक न एक दिन हमें यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने देना होगा। क्या आज हम मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड को इग्नोर कर रहे हैं? जब आज आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोग जो प्रार्थना करें उनको हम इग्नोर कर रहे हैं? क्या आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हैं? क्या आज आप और मैं इन लाइव मीटिंगों को इग्नोर कर रहे हैं? क्या आज आप और मैं खुदा के काम को इग्नोर कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इग्नोरेंस इज द ग्रेटेस्ट सीन। यहां पर हम देखते हैं कि यहूदियों ने यीशु मसीह उसके कार्यों को इग्नोर कर दिया। आज भी हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के काम को इग्नोर करते हैं। बाइबल बताती है एक्ट इन इग्नोरेंस, पढ़िएगा उसको, उस पद को पढ़िएगा, क्या लिखा है? अब हे भाइयों मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी अज्ञानता का जो फायदा है वो डेविल उठाता है, हमारी अज्ञानता का जो फायदा है वो जादू टोने वाले उठाते हैं, हमारी अज्ञानता का फायदा है जो धोखा देने वाले उठाते हैं, हमारी अज्ञानता का फायदा है जो शैतान के लोग उठाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी इग्नोरेंस के कारण आज लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। यदि आज आप अज्ञान होंगे तो बाजार के लोग आपका फायदा उठाएंगे। यदि आपको पता नहीं है कि पेट्रोल का क्या भाव है, यदि आपको पता नहीं सब्जी का क्या भाव है, तो आपकी अज्ञानता के कारण में लोग फायदा उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फॉरेनर्स इंडिया के अंदर में आते हैं
तो हमारे यहाँ के लोग उन सस्ती वस्तुओं को उनको महंगे दामों में भेजते हैं। उसका कारण यह है कि उन फॉरेनर्स लोगों को ये बात नहीं पता होती कि इसका क्या रेट है। हम कहीं और शहर में जाते हैं, हमें उस वस्तु की कीमत नहीं पता होती, हम उसको मुंह मंगा पैसा देते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर के शहरों में जब हम टैक्सी लेते हैं, ऑटो लेते हैं, तो हमें किराया पता नहीं होता, हम उसको मुंह मंगा किराया दे देते हैं। हमें बाद में पता चलता है, अरे वहां के तो 20 रुपए लग रहा था और हमसे उसने 200 रुपए ले लिया। अज्ञानता के कारण आज हॉस्पिटल्स में, आज डॉक्टर्स लोग आपकी और मेरी अज्ञानता के कारण हमें मनमाना बिल दिखाते हैं। आज हमारी अज्ञानता के कारण शैतान हमारे लोगों को लूट रहा है, शैतान हमारी जिंदगी को उजाड़ रहा है अज्ञानता के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूं हम किन किन क्षेत्रों में अज्ञानता कर रहे हैं। आज खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें उन जगहों पर नहीं जाना है जहां परमेश्वर ने मना किया है। एक बहन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर टावर से हमारे पास नंबर आया, उसका प्रेयर टावर से हमारे पास खबर आई कि बहन को फिर से दुष्ट आत्मा का दौरा आना शुरू हो गया। पिछली बार जब हमने उसके लिए प्रार्थना किया था, वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई थी, बिल्कुल ठीक जिंदगी चल रही थी। अभी प्रेयर टावर पे कॉल आया कि वो बहन को फिर से दुष्ट आत्मा के दौरे पड़ने शुरू हो गए, दुष्ट आत्मा उसको भयंकर प्रगल होती है और दुष्ट आत्मा बोल रही है उसके अंदर से कि मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी है। मैंने प्रेयर टावर वाले भाई से पूछा, क्या ये बहन उस जगह पर गई थी जहां जाना खुदा ने मना किया? जब पता करवाया गया, जब पूछा गया, तो पता चला कि हाँ, अभी इन दिनों में वो एंजॉयमेंट के लिए बाहर घूमने के लिए गई थी और उन जगह पर गई थी जहां खुदा नहीं चाहता, उन चीजों को देखने के लिए जहां खुदा ने मना किया है। उन चीजों को भी ना देखें, आपका और मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, आपका और मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आप इस बात से नहीं टाल सकते, अरे वहां जाने में क्या बुराई है, अरे उन चीजों को देखने में क्या बुराई है, उन डांसों को देखने में क्या बुराई है, उन पिक्चरों को देखने में बुराई क्या है, उन गानों को सुनने में बुराई क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये चीजें शैतान के लिए खुला द्वार है। जब आप उन जगह पर जाते हो तो शैतान के लिए द्वार खोल देते हो, जब आप उन चीजों को देखते हो तो शैतान के लिए खुला द्वार खोल देते हो। फेसबुक पर आप क्या देखते हैं, फेसबुक पर आप क्या देखते हैं? कई बार लोग ऐसी चीजों को सेंड कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति ने मैसेंजर पर एक वीडियो क्लिप भेजा, वो भेज किसी और को रहा था, गलती से उसको मेरे पास सेंड हो गया और उसने डिलीट करने की भी कोशिश किया तो एक बार सेंड हुआ मैसेंजर पर, तो डिलीट नहीं कर पाया वो। क्या क्या देख रहे हैं हम लोग? और गलती से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी देख रहे हो, शायद आपको लग रहा है जो कुछ आप कर रहे हो किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन कई बार आप उन चीजों को पब्लिकली भी कर देते हो, पब्लिकली हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भाइयों की बात नहीं कर रहा मैं बताना चाहता हूं लोगों के बारे में। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, ऐसी जगह मत जाइए, वो बहन को अभी भी दुष्ट आत्मा के दौरे आ रहे हैं। दुष्ट आत्मा बोल रहा नहीं जाऊंगा, मैंने बोला नहीं जाएगा वो, क्यों? क्योंकि तुम तो जा रहे हो उनकी वर्शिप करने के लिए, तुम तो जा रहे हो उनके डांस देखने के लिए, तुम तो जा रहे हो उनके काम करने के लिए, तुम तो जा रहे हो उनकी जगहों पर, तुम तो जा रहे हो उनके बलिदान चढ़ाने के लिए, तुम तो उनके कामों में लिप्त हो। शैतान क्यों छोड़कर जाएगा तुम्हारे घरों को? शैतान क्यों छोड़कर जाएगा तुम्हारे परिवारों को? शैतान क्यों छोड़कर जाएगा तुम्हारी जिंदगियों को? नहीं जाएगा, जब तक कि आप और मैं शैतान से अपने रिलेशन को ब्रेक ना कर दें, वो नहीं जाने वाला। कई बार लोग अपनी आदतों को नहीं बदलते और कहते हैं पास्टर जी आप पे ताकत नहीं रही, वो पास्टर सामर्थ्य नहीं है। अरे मेरे भाई और बहनों, पास्टर की सामर्थ्य से लेने देना नहीं है। क्या हमने शैतान के लिए द्वार बंद कर दिया है? शैतान के लिए द्वार बंद करोगे तभी तो बाहर निकलेगा वो। यदि आपने शैतान को होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा, तो क्या दिस इज माई प्रॉपर्टी, हु आर यू, ये मेरा 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 बंदा है, ये मेरे काम करता है, तू कौन है निकालने वाला?
कई सारी दुष्ट आत्माओं के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, वो कहता है ये हमारा आदमी, हमारे काम करता है, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, नहीं जानते वो लोग। फिर हम उस व्यक्ति को होश में लेकर आते हैं और उसे रिपेंट कराते हैं कि तू पश्चाताप कर, तू क्षमा मांग और के तू क्षमा मांग कि मेरे से गलती हुआ, तू शैतान से अपने संबंधों को तोड़। जैसे वो व्यक्ति अपना पश्चाताप करता है, शैतान से संबंध तोड़ता है, वो दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़कर चली जाती है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 27 पद को देखिए क्या लिखा है, दिमाग हिल जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनिए, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मैं आज शैतान को, डेविल को एक्सपोज करने जा रहा हूं, शैतान एक्सपोज होगा आज। 4:27 और न शैतान को अवसर दो, फिर से पढ़ें, और न शैतान को अवसर दो, फिर से पढ़ें, और न शैतान को अवसर दो। इफिसियों 4:27 फिर से पढ़ें, और न शैतान को अवसर दो, और न शैतान को अवसर दो। इफिसियों 4:27 में लिखा है, इसका मतलब पौलुस मना कर रहा है कि शैतान को अवसर मत दो। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि आप क्या शैतान को अवसर दे रहे हैं अपनी जिंदगी में काम करने के लिए? आप चेक करें अपनी जिंदगी को कि आपके कौन से दरवाजे से वो घुस रहा है। बोलो अवसर का मतलब, अवसर का मतलब इब्रानी में बताता हूं मैं आपको, बोलो अवसर का मतलब, अवसर का मतलब ग्रीक में, ग्रीक में और हिब्रू में बताता हूं, और हिब्रू में बताता हूं। अवसर का मतलब सुन लीजिए, अपनी बाइबलों में लिख लीजिए अवसर का मतलब क्या होता है। दो बार बोलिए अवसर का मतलब क्या होता है, अवसर का मतलब क्या होता है, फिर से अवसर का मतलब क्या होता है, पूछिए अवसर का मतलब क्या होता है। बोलो अवसर का मतलब, अवसर का मतलब मार्ग, मार्ग बोलो मार्ग, मार्ग दरवाजा, दरवाजा या खिड़की, या खिड़की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपके घर का दरवाजा बंद है, आपकी आपकी खिड़कियां बंद है, तो क्या मच्छर घर में आएगा? नहीं। सांप घर में आएगा? नहीं। कोई व्यक्ति घर में आएगा? नहीं। सब लोगों से मैं प्रश्न करना चाहता हूं, यदि आपके घर के खिड़की दरवाजे बंद है, तो कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? नहीं। कोई चूहा प्रवेश कर सकता है? नहीं। कोई छिपकली प्रवेश कर सकती है? नहीं। कोई मच्छर प्रवेश कर सकता है? नहीं। आप घर के अंदर आराम से बैठे और कह सकते हैं, अरे हमारे घर में तो चूहा और मच्छर घुस गया। यदि मेरे घर में ऐसा प्रश्न करेंगे, हमारे घर में चूहा बिल्ली मच्छर आ गए, तो मैं कहूंगा क्या तुमने दरवाजा खोला? नहीं, हमने दरवाजा नहीं खोला। हाउ कैन पॉसिबल कि आपने दरवाजा नहीं खोला और वो अंदर आ जाए? ऐसे ऐसे मच्छर, ऐसे चूहे तो मैंने आज तक नहीं देखे जो जो दरवाजे दरवाजे से इनविजिबल होकर, दीवारों से इनविजिबल होकर अंदर घुस जाते हैं। क्या आपके घर में ऐसे चूहे हैं? क्या आप ऐसे घर में, आपके घर में ऐसे मच्छर हैं? क्या आपके घर में ऐसी चिपकलियां हैं? क्या आपके घर में ऐसे कुत्ते हैं? क्या आपके घर में ऐसे जानवर हैं जो दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद भी अंदर आते हैं? हमारे यहां तो नहीं है, संभव नहीं है। बोलो यदि चूहे, चिपकली, मच्छर, अन्य जानवर, जंतु घर के अंदर घुस रहे हैं, तो हमें चेक करना होगा, कोई ना कोई दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है, या दरवाजों में छेद है, या खिड़कियों में छेद है। हालेलुया। यदि आपके घर में बीमारियां आ रही है तो चेक करना है आपको, आपके घर में समस्या आ रही है तो चेक करना है, आपके घर में तकलीफ आ रही है तो चेक करना है। प्रभु हमारे जीवन में बीमारी तकलीफें क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर पर इल्जाम लगाना बंद करना होगा, परमेश्वर के दासों पर इल्जाम लगाना बंद होगा। परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाना, परमेश्वर के दासों पर इल्जाम लगाना, परमेश्वर के कामों पर इल्जाम लगाना बंद करना होगा। हम तो इतने समय से दशमांश दे रहे हैं, हम तो इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो इतने समय से चर्च जा रहे हैं, हम क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप इसलिए आपकी जिंदगी में काम नहीं हो पा रहा क्योंकि दरवाजा खुला है। बहनों भाइयों अपने आप को आज चेक करें, जांचें, हमने शैतान के लिए कौन सा दरवाजा खोला है? क्या आपने टीवी के दरवाजे खोल रखे हैं शैतान के लिए? वो टीवी के द्वारा आएगा। क्या आपने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के दरवाजे खोले हैं? वो फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा आएगा। क्या आप ऐसी पिक्चरें देखते हैं जो खुदा ने मना किया है? अश्लील पिक्चरें, गंदी पिक्चरें, पोर्नोग्राफी, एडल्ट्री, सबसे ज्यादा अभी पोर्नोग्राफी एडल्ट्री देखी जा रही है। क्या आपने दरवाजा बंद कर दिया है? क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है? क्या आपने रिश्वत लेना बंद कर दिया है? प्रियो लोग आते हैं पूछते हैं मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही, वो तकलीफ, में तो ये पूछता हूं दरवाजा कहीं ना कहीं तो खुला है साहब।
एक व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको चेक करके समझ जाता है, मान लीजिए आपको आपका पेट खराब हो गया है, आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर, डॉक्टर साहब हमने तो कुछ नहीं कहा ऐसे हो गया, डॉक्टर बोलेगा ऐसे नहीं होता है, आपने या तो कोई गंदा पानी पिया है, या गंदा खाना खाया है, या ज़्यादा मसालेदार खाना खाया है इसलिए आपको लूज मोशन हो रहा है, सर्दी खांसी, या आपने कोई ठंडा पानी पिया है, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाया पिया है, या आप बाहर एटमोसफेयर में ठंडे वातावरण में गए इसलिए आपको कोल्ड, आपको कोल्ड पकड़ लिया है, आपको सर्दी ने पकड़ लिया है, बोलो कुछ भी अपने आप नहीं होता, 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 हर एक कामों के लिए, हर एक कामों के लिए एक अवसर होता है, एक अवसर होता है, एक मार्ग, एक दरवाजे, खिड़की होती है, बोलो कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब कहें कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता, हर एक के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ कारण होता है। आज प्रियो, क्या हमने शैतान के लिए दरवाजा खिड़की खोल रखी है जिससे वो आज आपके परिवार में प्रवेश कर रहा है? मेरे भाइयों बहनों, आपकी शादीशुदा जिंदगी में वो प्रवेश कैसे कर रहा है? आपके बच्चों की जिंदगी में वो कैसे प्रवेश कर रहा है? आपकी नौकरी में वो कैसे प्रवेश कर रहा है? प्रियो, आपको चेक करना होगा कौन सा दरवाजा, पूछो ना कौन सा दरवाजा, कौन सा दरवाजा, कोई तो दरवाजा है, बोलो कोई तो दरवाजा है जिसे आपने खोला है। कई लोग रात में दरवाजों को खोलते हैं अपने फोन में। जीसस, आपको पता नहीं है, आप जब दरवाजा खोलते हो सारी गंदी दुष्ट आत्माएं आती है, बोलो सारी गंदी दुष्ट आत्माएं, सारी गंदी दुष्ट आत्मा आती है, बहुत गंदा करती है, बहुत गंदा करती है, बहुत ज्यादा गंदा करेगी, बहुत ज्यादा गंदा करती है। हालेलुया, आपको और मुझे इस बात को समझ लेनी है, हमें किसी भी कीमत पर शत्रु को अर्थात शैतान को किसी प्रकार का अवसर नहीं देना है। बोलो अवसर नहीं देना है, अवसर नहीं देना है, एक मिनट भी अवसर नहीं देना है, एक मिनट भी अवसर नहीं देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हमें केयरफुल रहना है, हमें केयरफुल रहना है। पहला पत्रस 5:8 पढ़िए, पहला पत्रस 5:8 पढ़िए, और अभी तक यदि आपने शेयर नहीं किया तो जाकर शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे किसी एक व्यक्ति की आत्मा बचाई जाएगी आज, आज आप शेयर करें कोई ना कोई बचाया जाएगा आपके द्वारा आज। संचेत हो और बोलो, जागते रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, बोलो सावधान, सावधान। इंग्लिश में लिखा है बी अलर्ट, बी अलर्ट, सब लोग कहें बी अलर्ट, बी अलर्ट, लाइक ए सोल्जर, लाइक ए सोल्जर, बी अलर्ट, बी अलर्ट, लाइक ए सोल्जर, लाइक ए सोल्जर। बाइबल बताती है सावधान रहो, सावधान रहो, एक सैनिक की तरह, एक सैनिक की तरह। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने आप को धन्य समझता हूं और अपने इस भारत देश पर गर्व करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, आई एम ए इंडियन। मेरा भारत महान है जिसके सैनिक रात और दिन इस भारत की रक्षा करते हैं। मैं गर्व महसूस करता हूं भारत देश का नाम लेने पर। मैं आनंदित हूं कि मैं एक ऐसे देश में हूं जहां हर प्रकार के लोग रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं भारत देश के हमारे वीर सैनिकों के बारे में, भारत देश के महान सैनिकों के बारे में, उनके बलिदानों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में। वो रात और दिन जागकर सावधानी से हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। जब वे लोग सरहद पर होते हैं तो वो सोते नहीं हैं, वो ऊँघते नहीं हैं, वे लोग अलर्ट रहते हैं। बोलो अलर्ट रहते हैं, किस बात से अलर्ट रहते हैं? कोई झगड़ा हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, बोले उस घुसपैठ से कि कोई दुश्मन की सेना, कोई शत्रु उस सरहद से अंदर प्रवेश न करने पाए। बोलो भारत की पूरी सीमा, भारत की पूरी सीमा दीवारों से, दीवारों से, फेंसिंग से, फेंसिंग से, तारों से, तारों से लॉक्ड होती है, और फिर वो जागते और सावधान रहते हैं, वो जागते और सावधान रहते हैं, वे अलर्ट रहते हैं, वे तैयार रहते हैं कि कोई पक्षी भी सरहद से उड़कर इधर ना आए। क्या आप लोग ऐसे तैयार हैं? घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त जिंदगी चल रही है जब तक ये बीमारी ना है, चंगे हो गए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अलर्ट नहीं है क्या? आज आप और मैं बी अलर्ट हैं? सब लोग बी अलर्ट, बी अलर्ट, सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। किस बात से सावधान, किस बात से सावधान? बोलो वी आर द सोल्जर ऑफ गॉड, वी आर द सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सैनिक हैं, और एक सैनिक हमेशा सावधान रहता है।
यदि आप सैनिक हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। हर कहीं नहीं जा सकते आप और मैं, हर कहीं जाने की परमिशन नहीं है हमें। क्या आपने सैनिकों को ऐसा बाजार और चौराहे पर घूमते भटकते देखा है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आपको, आपने सैनिकों को बाजारों और चौराहे पर भटकते देखा है? शराब की दुकानों पर भीड़ लगाते देखा है क्या हमारे सैनिकों को? बोलो, वो अपनी वर्दी का, वो अपने स्टेटस का, ख्याल रखते हैं? वो आपको नगरों में और चौकों में नहीं मिलते? आपको आवारा जैसे भटकते नहीं मिलते? क्योंकि वे जानते हैं ये वर्दी पाने के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया है, और उसके बाद वो इस देश के सैनिक हैं, इसलिए वो आपको ऐसे आवारा गर्दी भटकते नहीं मिलते। हम गर्व महसूस करते हैं हमारे सोल्जर्स के ऊपर में। अब आपने कहां देखा शराब के अड्डों पर या दारू पीकर कहीं से रोड के किनारे पड़ा हुआ उनको? कम ऑन चर्च, वी आर द सोल्जर ऑफ गॉड, वी आर द सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो, सावधान रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन अंतिम दिनों में सावधान रहिए। जबकि आपके परिवार के खिलाफ में जादू टोने हो रहे, सावधान रहिए। आपके परिवार के खिलाफ में सारी दुष्ट आत्माएं जंग कर रही कि आपके परिवार को तबाह कर दे, सावधान रहिए। आपके परिवार के खिलाफ में बीमारियां आ रही है, आपको सावधान रहना है। आपके परिवार के खिलाफ में जादू टोने, बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं और तरह तरह के अंधकार की शक्तियां विरोध करने के लिए खड़ी है, आपको सावधान रहना है। क्या रहना है? सावधान रहना। वो बाइबल बोलती, बी अलर्ट, Be alert. दो बार चिल्लाए, फिर से बोलो सावधान रहे। बोलो सावधान। अटेंशन, अटेंशन। क्यों अटेंशन होना है? क्यों अलर्ट होना है? क्यों सावधान रहना है? क्यों सचेत रहना है? व्हाट्स द रीजन? क्या कारण है? पढ़िए आगे, संचित हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा, बोलो क्योंकि, सब बोलो क्योंकि, क्योंकि, क्यों सावधान है? बोलो क्योंकि, क्योंकि, क्यों सावधान है? बोलो क्योंकि, क्यों सावधान रहना है? क्योंकि, बोलो क्योंकि, क्योंकि। जब भी आपको बाइबल में क्योंकि वर्ड आए, आपने रुकना है। लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, रुक जाना है, वहां पर एक बात आती है, उसके आगे एक प्रकाशन आता है, क्योंकि, बोलो क्योंकि, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, इसका मतलब हमारा एक विरोधी है जो लगातार विरोध करता है, हमारे खिलाफ में विरोध करता है, हमारे परिवार के लिए विरोध करता है, वो गुस्सा दिलाएगा, वो झगड़े कराएगा, वो शराब पिलवाएगा, वो परिवार को तुड़वाएगा, वो हमारे मनों में विचार डालेगा, शत्रु लगातार दिमाग में जंगली बीजों को बोता रहता है, लगातार जंगली बीज। और जब आपने उस बीज को एक्सेप्ट कर लिया, वो पेड़ बन जाएगा। बोलो, एक बीज शुरुआत में एक छोटा बीज दिखाई देता है, लेकिन जब वो जमीन में जाता है, वो एक पेड़ बन जाता है। सोचिए, व्यभिचार का एक छोटा सा बीज जो आपके अंदर आ गया, एक आप शुरुआत में एक छोटे से व्यभिचार के बीज को अपने अंदर ले लिए, आज वो व्यभिचार का पेड़ बन चुका है, एक बड़ा जेड जिसने आपको जकड़ लिया, आप व्यभिचार से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। एक नशे का बीज आपके अंदर आ गया, अब वो पेड़ बन चुका है, क्योंकि अब नशे से आप आजाद नहीं हो पा रहे। एक छोटा सा बीज आपके अंदर एक पेड़ बन जाता है, आपको पता नहीं चलता। इससे पहले कि वो बीज पेड़ में बदले, उस बीज, उस जंगली बीजों को वहीं दफन कर दो, वहीं नष्ट कर दो, बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, आपका और मेरा एक विरोधी है, और वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा है, पढ़ना उस सेंटेंस को, कंप्लीट करना। संचित हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सी के समान। हमारा विरोधी कौन है? शैतान। बहनों, आपकी सांस आपका विरोधी नहीं है, सांस लोग आपकी बहू आपका विरोधी नहीं है, भाइयों आपका भाई आपका विरोधी नहीं है, आपके पापा आपके विरोधी नहीं है, आपके मम्मी, आपके मित्र, कोई आपका विरोधी नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगी। कई लोग कहते हैं हालेलुया, कई लोग कहते हैं थैंक यू होली स्पिरिट,
कई लोग कहते हैं मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के लोग मेरे विरोधी हैं, मेरे समाज के लोग मेरे विरोधी हैं, मेरे गांव के लोग मेरे विरोधी हैं, मेरे आसपास के लोग मेरे विरोधी हैं। आपको अब समझना पड़ेगा कि आपका विरोधी कौन है। आप लोगों से लड़ने में टाइम वेस्ट करते हैं। बहनों, आप सास से लड़ने में टाइम वेस्ट कर रही हैं, अपने पति से लड़ने में टाइम वेस्ट कर रही हैं, अपने पति से लड़ने के अंदर आप टाइम वेस्ट कर रही हैं, अपनी सास से लड़ने के टाइम वेस्ट कर रही हैं, अपने मोहल्ले में लड़ने में टाइम वेस्ट कर रही हैं। आज शैतान आपको लोगों से लड़वाने में टाइम वेस्ट करा रहा है आपका। आपका विरोधी कौन है? शैतान। आपका विरोधी कौन है? शैतान। और आप किससे लड़ रहे हैं? शैतान को तो दूध पिला रहे हो, सांप को तो दूध पिला रहे हो आप, और लड़ रहे हो घर वालों से, परिवार वालों से, माँ बाप से लड़ रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हो, सिर फोड़ रहे हो, और शैतान बैठकर तमाशा देख रहा है। शैतान तो चाहता है कि आप और मैं लड़ लड़ के मर जाएं। इसी लाइन पर रहना मेरे साथ, निकल इफिसियों 6 अध्याय, जल्दी से इफिसियों 6 निकालिए, निकाल लिया, पढ़िए मेरे साथ में इफिसियों 6 अध्याय, उसका, थैंक यू होली स्पिरिट, उसका पढ़िए 12 पद। क्योंकि हमारा ये मौजूद लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। बोलो हमारा जो झगड़ा किससे है? सब बोलो हमारा झगड़ा। हमारा झगड़ा लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस से नहीं, मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं। प्रियो, यदि आप, आपका बॉस आपका विरोध कर रहा है, तो आप याद रखो उसके पीछे शैतान आपके लाइफ में आना चाहता है। मैं समझ जाता हूं प्रियो, जब कोई मेरा विरोध करता है तो मैं समझ जाता हूं कि शैतान उसके द्वारा मेरी जिंदगी में आना चाहता है। मैं रुकता हूं, रात में बैठकर प्रार्थना करता हूं। कोई व्यक्ति जब विरोध करने आता है, आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको रात में बैठकर इन बातों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग इस आत्मिक युद्ध से अनजान है और आत्मिक कार्यों से अनजान है। आपका विरोध कौन करने आ रहा है? शैतान उस व्यक्ति के पीछे आपकी लाइफ में काम करना चाहता है, आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, आपके कामों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कई बार शैतान जब किसी व्यक्ति के द्वारा मेरा विरोध करने आता है, मैं समझ जाता हूं कि ये मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आया है और ये मेरा टाइम वेस्ट करने आ रहा है। मुझे केयरफुल रहना है कि शैतान मेरा किसी भी रीति से टाइम ना चुराने पाए, शैतान किसी भी रीति से मेरे कार्यों में बाधा ना डालने पाए। इसलिए मैं बैठकर प्रार्थना करता हूं उन बातों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। सब कही, मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है। दो बार कहें, मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है। मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है। आपका युद्ध आपकी सास से, ससुर से, दामाद से, ननंद से नहीं है, भाई और बहनों से नहीं है, किसी बॉस से, किसी कंपनी मालिक से, ऑटो ड्राइवर रिक्शा वाले से नहीं है। आपका युद्ध जो है वो अंधकार की शक्तियों से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपको कोशिश करेगा कि आप यदि एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो आपका काम रुकवा कर वो ऑटो वाले से आपका पंगा करा दे, वो आपका अच्छा काम रोक कर वो बस वाले से आपका पंगा कराए, सब्जी वाले से आपको झगड़ा करवा दे, दूध वाले से आपका झगड़ा करा दे, परिवार में अच्छा काम होने लगे, परिवार के बीच में झगड़े उत्पन्न कर दे, ताकि आप वो काम को ना कर पाए। आज परिवारों में प्रार्थनाएं बंद हो चुकी है, आज फैमिली प्रेयर बंद हो चुकी है, क्योंकि शैतान का मेन टारगेट है कि परिवारों में प्रार्थना न हो, एक दूसरे के विरोध में बातें करने लग जाना, एक दूसरे के लिए गलत धारणाएं आना, ये शैतान की ओर से है। यीशु ने तो शत्रुओं के पांव धोए हैं, यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए हैं, शत्रुओं से प्रेम किया है। यीशु मसीह ने अपने शत्रु यहूदा के भी पांव धोए हैं, पता है आपको, जिसने उसको पकड़वा दिया। मैं बाइंड करता हूं तमाम डार्कनेस की पावर को जो डिस्टर्बेंस करती है यहां पर। आई बाइंड एवरी पावर ऑफ डीमंस, एवरी पावर ऑफ सिकनेस, एवरी पावर ऑफ इन्फ्लेमेटरी, एवरी पावर ऑफ सर्पेंट एंड स्नेक्स, आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। आपको और मुझे इस बात को समझ लेनी है, हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं। बोलो ना, हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है। दो बार कहिए, फिर से, बोलो, आज से मैं किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं करने वाला, शैतान से करूंगा, शैतान से लड़ने की बारी आती तो सोते रहते हैं, बीबी से लड़ने की बारी है तो रात भर झगड़ा करोगे, भाई से लड़ना तो रात भर लड़ोगे, माँ से लड़ना तो रात भर लड़ोगे, पड़ोसी से लड़ना तो रात भर लड़ोगे, नॉन स्टॉप लड़ोगे उससे। शैतान से लड़ने की बारी आती है तो गराटे मार के सोने लगते हो। इन दिनों में
आपको आत्मिक मलयुद्ध में रहना है, जबकि जादू टोना करने वाले शैतान के लोग रात दिन जादू टोना कर रहे हैं, शैतान के लोग रात दिन काम कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं रात दिन बिना रुके काम कर रही है, लेकिन हम लोग सो रहे हैं। पादरी साहब आप प्रार्थना करना, हम भेज देंगे दशवांश आपके पास में। पादरी साहब आपकी मिनिस्ट्री में पैसा दे तो रहे हैं, हम पैसा क्यों दे रहे हैं पादरी साहब के चर्च में, वो प्रार्थना करेंगे। एपोस्टल जी आपकी मिनिस्ट्री में हम पैसा दे रहे हैं, आप प्रार्थना करो हमारे लिए। प्रियो यहां सिस्टम अलग है, हमने हमारे मिनिस्ट्री का सिस्टम अलग, दिस इज मिनिस्ट्री, किसी बाउंडेशन में नहीं है, ये सेवकाई मैंने खड़ी करी है किसी बाउंडेशन में नहीं, बाउंडेशन फ्री रखा है मैंने, गुलामी से फ्री। आप ये मत सोचिएगा कि आप मिनिस्ट्री में पैसा डालेंगे, आप पैसा भेजेंगे तब हम आपको ज्वाइन करेंगे, तब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ये नहीं होगा भैया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको समझनी है कि जब शैतान गरजने वाले सिंह के समान लोगों को फाड़ खा रहा और हम रात में सो रहे हैं, पढ़िए उसको, पढ़िए इसको छोड़कर उसको पढ़िए, पहला पत्रस पर आ जाइए। संचेत और जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, किसका विरोधी, तुम्हारा विरोधी शैतान, किसका विरोधी, तुम्हारा विरोधी शैतान, हाँ, गरजने वाले सिंह के समान, कैसा है वो, गरजने वाले सिंह के समान, कैसा है, गरजने वाले सिंह के समान, लल्लू चप्पू नहीं कर रहा, कैसा है वो, गरजने वाले सिंह के समान, शैतान कैसे आता है, गरजने वाले सिंह के समान, क्या कर रहा है आके, इस खोज में रहता है, खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। शैतान हर दिन सर्च कर रहा है, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन शैतान और उसकी सेना हर दिन उन लोगों को ढूंढ रही है जिसे वो फाड़ सके। बोले फाड़ना क्या होता है, फाड़ना क्या होता है, बीमारियों की तरह फाड़ रहा है, बीमारी की तरह फाड़ रहा है, गरीबी द्वारा फाड़ रहा है, परिवार को फाड़ रहा है, लोगों को फाड़ रहा है, और शैतान लोगों को फाड़ रहा है। मेरे भाइयों बहनों आपको समझना होगा कि जब आज शैतान हमारे आसपास के हमारे परिवार के लोगों को फाड़ रहा है, आज शैतान आपकी मम्मी को फाड़ रहा है आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, शैतान आज आपके पापा को फाड़ रहा है आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, जब बाहर का कोई व्यक्ति आपकी मम्मी को गाली देता है आप लड़ने खड़े हो जाते हो, आपके पापा को बोलता है तो आप लड़ने खड़े हो जाते हो, मेरी मम्मी को कैसे बोला, मेरे पापा को कैसे बोला, और शैतान जब आपकी मम्मी को बीमार कर रहा है, आपके पापा को बीमार कर रहा है, शैतान जब आपके पापा मम्मी के बीच में झगड़ा कर रहा है, शैतान जब आपके परिवार को तोड़ रहा है, शैतान जब आपका पैसा चुरा रहा है, खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। Come on, church. आपको समझना होगा जब संसार के लोग आपके पापा मम्मी को बुरा भला कहते हैं, आपकी पत्नी को बोलते हैं, लड़ने खड़े जाते, लठ निकालते हो, तलवारें बंदूकें निकालकर उस पर हमला करने पहुंच जाते हो, शैतान के लिए क्यों तमाशा देखते रहते हो, उसको क्यों नहीं मारते हो आप, जब आज वो आपके माता पिता के ऊपर हमला कर रहा, आपके बच्चों पर हमला कर रहा, आपकी बीवी पर हमला कर रहा, आपके परिवार पर हमला कर रहा है, आपके आपके नौकरी पर उसने हमला कर दिया, तब कुछ नहीं कर रहे हो, सो रहे हो आके। फेसबुक चलाया रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक फेसबुक पे ऑनलाइन है, टीवियां देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फिर बोला प्रभु धन्यवाद, रात भर मीठी प्यारी नींद देना, और सो जाते हैं घट से। आपके सोने से पहले एक घंटा पहले मोबाइल आपके पास से दूर हो जाना चाहिए, या तो आंखें ऐसी झुक जाती फोन को देख देख के और फोन को ले लेके सो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे युद्ध नहीं जीता जाएगा मेरे भाइयों बहनों। मेरी सेवकाई बहुत डिफरेंट है, मेरी सेवकाई बहुत अलग है, इस सेवकाई में केवल सैनिक लोग ही खड़े रहते हैं, सैनिकों की सेवकाई ये है, ये सेवकाई यीशु मसीह की सेवकाई, ये सेवकाई पत्रस पौलुस की सेवकाई, ये पत्रस की सेवकाई है जिन्होंने शैतान का बैंड बजाया तरीके से, और शैतान का बैंड बजाने वाली सेवकाई है प्रियो, या शैतान को ठोका जाता पकड़कर पीटा जाता है, यहां पर शैतान के चंगुल से आत्मा खींच ली जाती बचा ली जाती है, यहां हम शैतान के दाड़ों को तोड़कर उसके उसके मुंह से शिकार को खींच लेते हैं। दाऊद का कमिटमेंट याद है, दाऊद ने कहा कि जब कोई शेर और भालू मेरे मेरे भेड़ों पर हमला करता था तो मैं उसके केस पकड़कर उसके जबड़े को तोड़कर उसके मुंह से भेड़ों को निकाल लिया करता था। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ डेविड। क्या आज आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए शैतान के जबड़ों को तोड़ रहे हैं,
क्या आज आप अपने परिवार के लोगों के लिए शैतान का मुंह तोड़ रहे हैं? अरे उठिए प्रार्थना में, शैतान का मुंह तोड़िए, शैतान का मुंह तोड़िए प्रार्थना में। जब जब आप प्रार्थना में उस पर फायर प्रे में जाएंगे, आप शैतान के जबड़ों को तोड़ेंगे। अरे उठ जाइए, शैतान के जबड़ों को तोड़िए आज। आज आप बोलो, आज मैं बैठूंगा रात को उसके जबड़े तोड़ के ही सोऊंगा। बोलो प्रभु तैयार है, प्रभु तैयार है। बोलो गरजने वाले सिंह के समान जब आता है, आप भी दाऊद की तरह, शिमशोन की तरह। बोलो बाइबल बताती है शिमशोन के लिए, जब एक शेर का बच्चा उस पर झपटा, उसने उसको बकरी की तरह फाड़ा, उसी पद को फिर से पढ़ना। मैं आपको शिमशोन के पास लेके जाने वाला थोड़ी देर में, वही पहला पत्रस, पढ़िए ना, पढ़िए उसको। संचेत और जागते रहो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, धीरे धीरे पढ़ें, हाँ, संचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ डाले। न्यायों की किताब उसका 14:5, न्यायों की किताब उसका 14:5। बोलो गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह, न्यायों 14:5, न्यायों की किताब 14:5 पढ़िए। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले, शिमशोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को गया, तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा, तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा, वहां उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। क्या हुआ वहां पर? उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। शिमशोन के सामने क्या हुआ? एक जवान सी गरजने लगा। शिमशोन के सामने क्या हुआ? एक जवान सी गरजने लगा। बोलो पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है? बोलो शेर, गरजने वाला शेर, गरजने वाला शेर। बोलो यहाँ पर भी कौन है? यहाँ पर भी कौन है? गरजने वाला शेर, गरजने वाला शेर शिमशोन के सामने आ गया। शिमशोन ने, शिमशोन भागा उसको देखकर, शिमशोन डर रहा था उससे, शिमशोन कांप रहा था, शिमशोन झाड़ी ढूंढ रहा था, शिमशोन अपने लोगों को फोन लग रहा था, जल्दी जल्दी आ जाओ शेर आ गया है। शिमशोन क्या कर रहा था? जब शिमशोन के सामने एक जवान सी आकर गरजने लगा ताकि वो शिमशोन के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, शिमशोन क्या कर रहा था वहां पर? भाग रहा था, कपड़े संभाल रहा था, लोगों को फोन कर रहा था, हाँ? हालेलुया, पढ़िए उसको फिर से। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। सुनिए, हाँ पढ़िए। उसके सामने एक जवान सिंह, बोलो शिमशोन के सामने एक जवान सिंह गरजने लगा, जवान सिंह गरजने, शिमशोन के सामने एक जवान शेर गरजने लगा, जवान शेर गरजने लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये शैतान आपके सामने गरजता है, जब आपके परिवार को देखकर गरजता है कि आपके परिवार को फाड़े, बोलो कैसे फाड़ता है? बीमारियों की तरह फाड़ता है, गरीबी की तरह फाड़ता है, व्यभिचार की तरह फाड़ता है, नशे की तरह फाड़ता है, डिप्रेशन की तरह फाड़ता है, सेपरेशन की तरह फाड़ता है, पारिवारिक झगड़े और कलह की तरह फाड़ता है, झगड़े और कलह की तरह फाड़ता है। तब क्या है? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। सब बोलो तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। सब बोलो यहोवा का आत्मा बल से उतरा। यहोवा का आत्मा बल से उतरा। बोलो जब जब आपके ऊपर शैतान हमला करेगा, आप अड़े और खड़े रहें, ओ परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। भागने वालों पर नहीं उतरता, पीछे हटने वालों पर नहीं उतरता, छुपने वालों पर नहीं उतरता, बहाने ढूंढने वालों पर नहीं उतरता, सोने वालों पर नहीं उतरता। यदि आप अड़े और खड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा बल से आएगा। दुष्ट आत्माओं को देखकर न घबराएं, जादू टोने वालों से न घबराएं। यदि आप अड़े और खड़े हैं, ओ परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा, परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा, परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा। बोलो शिमशोन शेर से नहीं डर रहा है, शेर से नहीं डर रहा, नहीं घबरा रहा, नहीं कांप रहा, दोस्तों को नहीं बुला रहा, रिश्तेदारों को नहीं बुला रहा, वो आड़ा और खड़ा है,
शिमशोन ने शेर को देखा, शेर दहा रहा है, शिमशोन ने देखा, शिमशोन जानता है यहोवा मेरे साथ है। क्या आज आप जानते हैं यहोवा आपके साथ है? बोलो, शिमशोन जानता था मेरी जिंदगी में बुलाहट है। कितने लोग जानते हैं आपकी जिंदगी में बुलाहट है? ओ शिमशोन जानता था, शेर मुझे नहीं मार सकता। आई हैव अ कॉलिंग, आई हैव अ कॉलिंग, मेरे पास बुलाहट है। यदि आपकी जिंदगी में बुलाहट है, यदि खुदा आपके साथ है, आप शेर की आंखों में आंखें डालेंगे और बोलेंगे, हे लायन, हे लायन, हे लायन, हे डेविल, आई ब्रेक योर पावर, आई ब्रेक योर पावर, आई ब्रेक योर पावर, आई ब्रेक योर पावर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो, यू हैव अ कॉलिंग, इफ यू हैव अ कॉलिंग, यू ब्रेक द पावर ऑफ शैतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन शेर को देख के नहीं भाग रहा, वो नहीं डर रहा, नहीं घबरा रहा। शिमशोन एक बात को जानता है, मेरी जिंदगी में बुलाहट है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। तब क्या होता है? ओ परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर आ गया, और परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर आ गया। सेम होली स्पिरिट पत्रस पर आ गई, यहोना पर आ गई, वही पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आ रहा है, आपकी जिंदगी में आ रहा है। सेम होली स्पिरिट शिमशोन पर आ गया, सेम होली स्पिरिट 120 लोगों पर आया, पत्रस यहोना पर आ गया, सेम होली स्पिरिट आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव होली गॉस्ट पावर, रिसीव होली गॉस्ट अनॉइंटिंग, होली गॉस्ट अनॉइंटिंग, ऑल अनॉइंटिंग, रिसीव, रिसीव, रिसीव फायर, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, कमजोर नहीं है। ओ पवित्र आत्मा, He is a mighty man, is a mighty Holy Spirit. Holy Spirit, mighty Holy Spirit, supernatural, dynamic power. Bolo, dynamic power is coming upon the Shimshon. Dynamic power. बोलो, डायनामिक की शक्ति जो चट्टानों को तोड़ता है, चट्टानों को तोड़ता है, चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाते हैं। वही पावर, वो वही पावर शिमशोन के ऊपर उतरा जो चट्टानों को तोड़ने का है। शेर भी बकरी का बच्चा बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ लब्रांडा लबाना नमासे के पढ़िए उसको, चेपत को, जब तब, बोलो तब, तब बोलो, जब आप अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा। पढ़िए, तब यहोवा का आत्मा, हाँ बोलो, बल से उतरा, हाँ। हाथ में कुछ ना था, यदि आपके हाथों में कुछ भी ना हो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको वेट करने की जरूरत नहीं, मेरे हाथ में कुछ आए। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, तो आपके पास में, आपके हाथों में कुछ होना तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोलो, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, शेर भी बकरी का बच्चा बन जाएगा। हालेलुया, बोलो, जब पवित्र आत्मा आप पर बल से आएगा, वो फाड़ने वाला शेर, वो फाड़ने वाला शेर, तुम्हारा विरोधी फाड़ने वाला शेर बकरी का बच्चा बन जाएगा। जो दहाड़ रहा था वो मे करेगा। कितने लोग हैं जो बकरी के बच्चे से डरते हैं? बकरी का बच्चा आपको मारेगा नहीं, आपको काटेगा नहीं। वो शेर जो आपको दहाड़ रहा था, आपको फाड़ रहा था, By the Holy Spirit, बकरी का बच्चा बन रहा है आपके जिंदगी में। शैतान बकरी का बच्चा बन रहा है, यीशु के नाम में बकरी का बच्चा बन रहा है, बकरी का बच्चा, बकरी का बच्चा, बकरी का बच्चा, in the name of Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, by the power of Holy Spirit,
जिसे आप फाड़ने वाला शेर समझ रहे थे वो बकरी का बच्चा है। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी पर नियंत्रण ले लेगा वो बकरी का बच्चा बन जाएगा, बकरी का बच्चा। बोला शिमशोन ने तो शेर को ऐसा फाड़ा जैसे बकरी का बच्चा, आप भी शेर को ऐसे फाड़ोगे जैसे बकरी का बच्चा, बीमारी को ऐसे फाड़ोगे, समस्या को ऐसे फाड़ोगे, अंधकार को ऐसे फाड़ोगे जैसे बकरी का बच्चा फाड़ोगे। कितने लोग तैयार है बकरी के बच्चे को फाड़ने के लिए? खाम खां हम उसे डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आया है ताकि शेर को बकरी का बच्चा बना दे। क्या आप उस शेर को बकरी का बच्चा बनाना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर का आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में आना चाहता है आप, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसी व्यक्ति की जिंदगी में बल से काम करता है जो अड़े और खड़े रहता है। परमेश्वर का आत्मा उन्हीं लोगों की जिंदगी में काम करेगा जो अड़े और खड़े रहेंगे। यदि आप भागोगे, याद रखना पुराने समय में कहावत कही जाती, बोलो पुराने बूढ़े लोग, बूढ़े लोग, पुराने लोग, पुराने लोग एक कहावत कहते थे, शेर को कभी पीठ ना दिखाओ, शेर को पीठ ना दिखाओ, पीठ ना दिखाओ। यदि आप शेर को देख के पीठ दिखाओगे, शेर को देख के पीठ दिखाओगे, शेर को देख के वो आप पर हमला करेगा, लेकिन आप यदि खड़े रहोगे वो आपको देखकर चला जाएगा। पुराने लोग कहते थे इतिहास उठाना, पुराने लोग कहकर गए हैं शेर को कभी पीठ ना दिखाए वो आप पर हमला करेगा। बोलो सेम, शैतान को पीठ ना दिखाए, शैतान को पीठ ना दिखाए, उसके सामने अड़े और खड़े रहें, अड़े और खड़े रहें, अड़े और खड़े रहें, अड़े और खड़े रहें। बोलो अड़े और खड़े रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब 4 का 7 पढ़िए जल्दी से। जेम्स 4:7, इब्रानियों याकूब 4:7, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, बोलो परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबमिट योर सेल्फ, सबमिट योर सेल्फ, देयरफॉर टू गॉड, देयरफॉर टू गॉड। हां, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और क्या करो? और शैतान का सामना करो। क्या करना है? और शैतान का सामना करो। भागना है? भागना है नहीं, पीठ दिखाना बोला नहीं, रोना नहीं। प्रभु ने बोला जब जब शैतान आए तो रोना, बीमारी आए तो रोना, समस्या आए तो रोना। मैं थक गया लोगों के रोने सुन सुन के, जब भी फोन करते रोते भी करते हैं, कभी आनंद के साथ फोन नहीं करते, रोते भी फोन करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रो क्यों रहे हो भाई, ऐसा लगता है जैसे शैतान सारी दुनिया का मालिक है और हमारा परमेश्वर कमजोर हो गया है। जब जब आप रोते हो ना शैतान को पावरफुल बनाते हो, जब जब आप रोते हो शैतान को ताकत देते हो। क्यों रो रहे हो भैया? जब जब आप रोते हो ना शैतान को पावर देते हो, वो पावरफुल होता है, हंसता है, हंसता है वो। क्या लिखा है? सबमिट योर सेल्फ देयरफॉर टू गॉड। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का क्या करो? सामना करो। इंग्लिश में लिखा है रेसिस्ट द डेविल, बोलो रेसिस्ट द डेविल, रेसिस्ट द डेविल, बोलो रेसिस्ट द डेविल, रेसिस्ट द डेविल। रेसिस्ट का मतलब, रेसिस्ट का मतलब विरोध करना, विरोध करना, टक्कर लेना, टक्कर लेना, शैतान से टक्कर लो, शैतान से टक्कर लो, उसका विरोध करो, विरोध करो, हक लो उस पे, हक हक लो। रेसिस्ट द डेविल, बाइबल रेसिस्ट द डेविल बताती है, सबमिट द डेविल नहीं बताती। सबमिट, बोलो सबमिट हमें, सबमिट हमें परमेश्वर को करना है, परमेश्वर करना है, और रेसिस्ट हमें शैतान को करना है, लेकिन आज लोग शैतान के पास जाके सबमिट कर देते हैं। कितने लोग हैं जो आज अपने आप को शैतान को सबमिट करे बैठे हैं? आज इस सामर्थ्य संदेश को सुनिए, क्यों रो रहे हो भैया? मुझे बाइबल बताती है पतरस यूहन्ना चेले भी रो रहे थे जब यीशु मर गया था, लेकिन बाइबल उसके बाद नहीं बताती जब यीशु जी उठा उसके बाद वो कभी रोए।
वे सब लोग आनंदित थे, बोलो, मौत के सामने भी, मौत के सामने भी हंस रहे थे, हंस रहे थे। चेलों की गर्दन काटी जा रही थी, हंस रहे थे वो लोग। स्तेफनोस पथराव से मर रहा था, वो आनंदित था। प्रियो, हम क्यों आज, हमें परमेश्वर को अपने आप को सबमिट करना है, शैतान के आगे अपने आप को सबमिट नहीं करना है, अपने आप को शैतान के आगे सबमिट नहीं करना है। बाइबल बताती है, सबमिट योर सेल्फ देयरफॉर टू गॉड। हमें परमेश्वर के पास आके अपने आप को जमा कर देना है, सबमिट कर देना है, परमेश्वर के पास समर्पण कर देना है। सबमिट योर सेल्फ देयरफॉर टू गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल, रेसिस्ट द डेविल, नॉट रेसिस्ट गॉड। जब जब आप रोते हैं, आप परमेश्वर का विरोध करते हैं, इसके बजाय हम हंस कर शैतान का सामना करें। बोलो, बाइबल शैतान का सामना करने के लिए बोलती है, शैतान के सामने रोना नहीं, घुटने नहीं टेकना, डरने का नहीं बोल रही, घबराने का नहीं बोल रही। उसने बोले शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, शैतान का क्या करना है, सामना करो। तीन बार बोलो, शैतान से क्या करना है, सामना करना है। फिर से, शैतान का सामना करना है। हाँ, नहीं, फिर से पढ़े, शैतान का सामना करो, बोलो तीन बार, शैतान का सामना करो। क्या करना है, शैतान का सामना करो। क्या करना है, शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ, शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, 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 वो तो पहले से हारा हुआ। प्रियो, शैतान पहले से हारा है। बाइबल बताती है आपको सामना करना है। बोला शैतान का सामना करना है, क्या करना है, शैतान के सामने अड़े और खड़े रहना है। पहले से हारा हुआ है, आपको तो बस खड़े रहना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी पर खड़े रहना है, आपको अपने अधिकार पर खड़े रहना है, आपको अड़े और खड़े रहना, वो भागेगा। प्रियो, शैतान एक कुत्ते के समान है। बोले शैतान एक कुत्ते के समान है, शैतान एक कुत्ते के समान है, शैतान एक कुत्ते के समान है। शैतान एक कुत्ते के समान है। जब पहले वो भोंकता है, पहले वो भोंकता है, जोर से भोंकता है, जोर से भोंकता है, और दौड़ता है आपकी ओर, दौड़ता है, आपको लगा काट लेगा, आपको लगा काट लेगा, लेकिन आप खड़े रहते हैं, लेकिन आप खड़े रहते हैं, वो आता है आपको सुन के चले जाता है, वो आता है आपको सुन के, आप भागेंगे, आप भागेंगे, कुत्ता आपके पीछे भागेगा, आपके पीछे भागेगा, आप भाग रहे हो, कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, लेकिन आप पलट कर उसको एक लात मारते हैं, वो भाग जाता है, समझ पा रहे हैं। आज यही हो रहा है, शैतान एक कुत्ते के समान लोगों के पीछे भाग रहा है, और लोग उससे कि हमको काट ना ले, फाड़ ना दे, काट ना ले, फाक ना ले, और वो भाग रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके भागने से कुत्ता नहीं भागेगा, कुत्ता आपके पीछे भागता रहेगा। आपको खड़े होना है एक जगह, आपको खड़े होना और एक लात मारना उस कुत्ते को, वो आंख बंद करके भागेगा, टाव 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 कर करके भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना उसको क्या लिखा है, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान का क्या करना है, सामना करो, क्या करोगे, सामना करना है। हाँ, आगे, तब वह तुम्हारे पास से भाग, बोलो तब, तब, पहले नहीं, पहले नहीं, पहले नहीं जाएगा, पहले नहीं जाएगा, शैतान का सामना करो ब्रो, तब, शैतान का सामना करो, तब, तब पर अंडरलाइन कर लो सब लोग, बोलो तब, तब, सामना करोगे तब भागेगा, रोगे तो नहीं भागेगा। आपके रोने से, आपके मैदान छोड़ने से, आपके फालतू बकवास करने से शैतान नहीं जाएगा। साफ बाइबल को ना ध्यान से पढ़ो मेरे भाई बहनों, एक एक शब्द को ना रस लेकर पढ़ना है आपने, एक एक शब्द आपको बताएंगे कि तब, बोलो कब, कब, जब आप सामना करोगे, जब सामना करोगे, तब भागेगा, तब भागेगा। आप बोले कि अपोस्टल जी, हमारी समस्या कब जाएगी,
अपोस्टल जी हमारी बीमारी कब जाएगी, हमारी समस्या कब जाएगी, हमारे घर से तकलीफें कब जाएगी, जब आप सामना करोगे। लिख लो अपनी दीवारों पर, रियाज से शैतान का विरोध करना शुरू कर दोगे आज से वो आपके घर से चला जाएगा। आप जब तक उसका विरोध नहीं करोगे भूल जाइए कि वो जाने वाला है। इस वचन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ के सुनाइए सब लोगों को। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना क्या करो, शैतान का सामना करो, क्या करो, शैतान का सामना क्या करो, शैतान का सामना क्या करना है, शैतान का सामना करो। बोलो शैतान का सामना किसमें करना है, बोलो प्रार्थना में, प्रार्थना में, फायर प्रे में, फायर प्रे में, और चिल्लाने में, चिल्लाने में, वर्शिप में, वर्शिप में, वर्ड ऑफ गॉड में, वर्ड ऑफ गॉड में लेकर खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, वचन बोले, वचन बोले, वर्शिप करें, वर्शिप करें, कमांड करें, कमांड करें, देविल आई रिब्यूक यू, आई ब्रेक द पावर ऑफ सैतान, आई ब्रेक द पावर ऑफ सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस। गुस्से में खड़े हो जाएं, एक बीमारी का आत्मा निकल बाहर, गुस्सा करें उस पर, खड़े हो जाएं, गुस्से की पोजीशन लेकर और हवा में मुक्का मारे शैतान के मुंह पर, याद रखिएगा सीधे उसके मुंह पर लगेगा। आमीन। बोला हवा में मुक्का मारे, चल ले, उसके मुंह पर लगेगा, सारे दांत जो शैतान के, सारे दांत जो शैतान के वो टूट जाएंगे, वो टूट जाएंगे, जिससे आप पढ़ने आने वाला है वो, पढ़िए उसको, उसका सामना करें, सामना करें तो वो तुम्हारे पास से भाग निकले। बोलो सामना करोगे, सामना करोगे तब, तब सब बोलो तब, तब सामना करेंगे, सामना करेंगे तब, तब पहले नहीं, पहले नहीं, पहले नहीं, अभी तक वो आप वेट कर रहे हो, वहां पर लिखा है तब वो भागेगा, तब वो भागेगा। रेस इज द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। फ्ली मतलब फ्ली का मतलब शीघ्रता से, फ्ली फ्ली तुरंत तुरंत, फास्ट फास्ट, तेरी से आपको भाग जाएगा, तेरी से भाग जाएगा। कम ऑन चर्च, जल्दी उठें और उसको चार लात मारे शैतान को। सुबह उठते ही शैतान को मारना शुरू करें आप, जब जब समय मिले आप उसको मारें, शैतान पर गुस्सा उतारें, फायर प्रेयर लीजिए, हमारी प्रेयर टावर से फायर प्रेयर लीजिए, फायर प्रेयर करना शुरू करें। जो भी जिस भी रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से आप उस पर चढ़ाई कर दें आज रात को। यदि आपकी पत्नी आपके साथ झगड़ा कर रही है तो रात को बैठें और मेरी पत्नी के जीवन में काम करने वाले शैतान की सामर्थ को तोड़ें। पति आपका झगड़ा करता है, शराब पीता है, उस शराब की आत्मा पर और पति के ऊपर काम करने वाले दुष्ट आत्मा पर हमला कर दें। यदि परिवार में कोई लोग किसी को बीमार कर रहा है तो उस बीमारी की आत्मा को बोले, शैतान तेरी बीमारी को लेकर तू चला जा मेरे परिवार से। यदि आपका पैसा चुरा रहा है तो पैसे की दुष्ट आत्मा पर, चुराने वाली दुष्ट आत्मा पर हमला कर दें, कूद जाए उसके ऊपर में और कहें तुझे जाना होगा पैसे की चुराने वाली गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। जैसे आप हमला करोगे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ आपके घर का एटमोस्फेयर चेंज होगा आज से। लिख लीजिए अपनी दीवारों पर, डेट डाल दीजिए दीवारों पर, लिखकर डेट डाल दीजिए, आज से शुरू करें शैतान पर हमला। जिस भी रास्ते से आपको तकलीफ दे रहा है आप उसी रास्ते में उसको तकलीफ दें, उसी रास्ते में खड़े हो जाएं, बीमारी के रास्ते पर खड़े हो उस पर टूट पड़े, गरीबी पर टूट पड़े, समस्या पर टूट पड़े, झगड़े पर टूट पड़े और कहें, ए डेविल आई रिब्यूक यू, तुझे जाना होगा। मैं आपको बता रहा हूं आप गवाही के साथ आ रहे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप गवाही के साथ आ रहे हैं, आप गवाही के साथ आ रहे हैं। कोई तो कहे आमीन, कोई तो कहे आमीन, बोलो हमें गवाही के साथ आ रहा हूँ, मैं गवाही के साथ आ रहा हूँ, मैं गवाही के साथ आ रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो यीशु मसीह के नाम में मैं गवाही के साथ आ रहा हूँ। प्रिय वचन को जरूर याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, जब आप सामना करोगे तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान इंतजार कर रहा है भगाने वाले का, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि वो अपनी पावर को आपके अंदर दिखाए। आप खड़े हो जाइए आज रात को, आज रात को एक घंटा फायर प्रे में, एक घंटा फायर प्रे, रोने धोने वाली प्रार्थना बंद करो, मांगा मुंगी की प्रार्थना बंद करो। आज आपको रोने धोने वाली प्रार्थनाएं, मांगा तुंगी वाली प्रार्थनाएं बंद करना पड़ेगी। मेरा बेटा जब मेरे पास में आता रोने धोने वाली प्रार्थना नहीं करता, डैडी आई वांट चॉकलेट, डैडी आई वांट फ्रूटी फ्रूटी, रोता गिड़गिड़ाता नहीं, डायरेक्ट चाहिए ही भैया, खिलौना चाहिए ही। कम ऑन चर्च, आलौकिक जीवन शैली, सब बोले आलौकिक जीवन शैली, आलौकिक जीवन शैली, दिस इज द सुपरनैचुरल लाइफ स्टाइल, दिस इज द सुपरनैचुरल लाइफ, ये आलौकिक जीवन शैली, ये आलौकिक जीवन शैली, रोने धोने की शैली नहीं है, रोने धोने की शैली, या रोना धोना नहीं सिखाया जाता, ये आलौकिक जीवन सिखाया जाता है। बोलो सेना में रोने वाले, डर कर कांपने वाले और भागने वालों की जरूरत नहीं है। कई लोग आएंगे,
इमोशनल बात करेंगे, इमोशनल बातें, इमोशनल प्रचार, इमोशनल प्रार्थनाएं, इमोशनल प्रचार, इमोशनल प्रार्थनाएं आपका उद्धार नहीं करेंगी। यीशु जी उठा, अब आप भी आत्मा में उठ खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब निकालें जल्दी से, पहला अध्याय यिर्मयाह, द बुक ऑफ यिर्मयाह पहला अध्याय। थैंक यू होली स्पिरिट। उसका 18:1-18, 18:19 यिर्मयाह किताब पहला अध्याय 18-19 पद। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझसे इस सारे देश और यहूदी के राजा, नाउ बिहोल्ड आई हैव मेड यू टुडे एज ए फोर्टिफाइड सिटी। बोलो, मैंने आज तुझे बनाया है, आज तुझे बनाया है और रचा है, और रचा है। मैंने आज तुझे सारे देश और यहूदा के राजा हाकिमों और याजक और साधन लोगों के विरुद्ध, इस वचनों को पढ़ें और याद कर लें। पढ़ रहे हैं इसके वचन को, क्योंकि सुन, समय सबको कह रहा, सुनो, क्योंकि सुन, दो बार बोले क्योंकि सुन, क्योंकि सुन, जितने लोगों के सुनने के कानों सुन लीजिए, क्योंकि सुन, जितने लोगों के सुनने के कानों सुन लो, क्योंकि सुन, जितने लोगों के सुनने के कान वो सुन ले, क्योंकि सुन, जितने लोगों के पास सुनने वाले कान है वो सुने। क्या सुनना है? क्योंकि सुन, मैंने आज, बोलो आज, 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 आज तुझे, तुझे अपना नाम लिखो, रोहित को, रिंकी को अपना नाम लिखो जल्दी से बाइबल में, तुझे की जगह अपना नाम लिखो, अपना नाम लिखकर बोलो, रोहित को, रिंकी को, हाँ, इस सारे देश, बोलो सारे देश, सारे देश, बोलो एक जगह की बात नहीं है, एक जगह की बात, आप इस देश में कहीं भी जाएं, आप इस देश में कहीं भी जाएं, इस पृथ्वी पर कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले, आपकी पावर काम करेगी, पावर काम करेगी। समझ आ रहा है आपको? इंदौर में बस दुष्ट आत्मा नहीं निकालते हम लोग, जहां भी जाते हैं यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं, और यीशु मसीह के नाम से जब हम खड़े होते हैं शैतान का राज्य नष्ट होने लगता है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए उसको, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे, आज रोहित को सारे देश और यहूदी के राजाओं, यहूदा के राजाओं, हाकिमों, हाकिमों, बोलो शैतान के राजाओं, शैतान के राजाओं, शैतान के हाकिमों, शैतान के हाकिमों, शैतान के याजकों, शैतान के याजकों, और शैतान की दुष्ट आत्मा की शक्तियों को, और साधारण लोगों के विरुद्ध, बोलो विरोध में, विरोध में, बोलो शैतान के विरोध में, शैतान के विरोध में, शैतान के विरोध में, शैतान के विरोध, जादू टोना करने वालों के विरोध में, जादू टोना करने वाले के विरोध में, शैतान के विरोध में, शैतान के विरोध, और जादू टोना करने वाले विरोध में, जादू टोना करने वाले के विरोध में, गढ़ वाला नगर, गढ़ वाला नगर, बोलो गढ़ वाला नगर, गढ़ वाला नगर, और लोहे का खंभा, बोलो गढ़ वाला नगर क्या होता है? गढ़ वाला नगर क्या होता है? ऐसा नगर, ऐसा नगर जिसमें शत्रु घुस नहीं सकता, जिसमें शत्रु घुस नहीं सकता, और शत्रु, और शत्रु उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि ये गढ़, क्योंकि ये गढ़ छुपे हुए स्थान होते हैं, छुपे हुए स्थान होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, जहां पर, जहां पर कोई भी सेना आसानी से घुस नहीं सकती। परमेश्वर ने एक वायदा किया है, मैं तुझे आज गढ़ वाला नगर बनाता हूँ। शैतान कभी भी आपके और मेरे परिवार में, आपके और मेरे परिवार में, आपके और मेरे कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ, गढ़ वाला नगर, गढ़ वाला नगर, और लोहे का खंभा, क्या है? और लोहे की खंभा, आप क्या है? लोहे की खंभा, बोलो आई एम द पिलर ऑफ आयरन, आई एम द पिलर ऑफ आयरन, कोई तो चिल्लाए आई एम द पिलर ऑफ आयरन, आई एम द पिलर ऑफ आयरन, मैं लोहे का खंभा हूँ, मैं लोहे का खंभा हूँ, आप क्या है? लोहे के खंभे, आप यदि शैतान लोहे के खंभे पे काटने आएगा, बोलो शेर, शेर यदि लोहे के खंभे पे काटेगा, लोहे के खंभे पे काटेगा, शेर की दांत टूटेंगे, शेर के दांत टूटेंगे। आमेन, हालेलुया। फिर से बोलूं मैं, शेर, सांप, अजगर यदि लोहे के खंभे पे काटने आएगा, लोहे के खंभे काटने आएगा, इसके दांत टूट जाएंगे, इसके दांत टूट जाएंगे। बोलो मैं लोहे का खंभा हूँ, मैं लोहे का खंभा, कोई तो चिल्लाए आई एम द पिलर ऑफ आयरन, आई एम द पिलर ऑफ आयरन, आई एम द फोर्टिफाइड सिटी, फोर्टिफाइड सिटी, आई एम द फोर्टिफाइड सिटी, फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड सिटी, सिटी, मैं गढ़ वाला नगर हूँ, मैं गढ़ वाला नगर हूँ, कोई चिल्लाए मैं गढ़ वाला नगर हूँ, I am the pillar of iron. मैं लोहे का खंबा हूँ। Come on church, परमेश्वर ने आपको लोहे वाला खंबा बनाए। आज रो रो के, आज भीख मांग मांग के, आज ना ये इमोशनल बातें कर करके आपने अपनी पावर को खो दिया है। कब तक रोओगे यार?
आयरन का पिलर हो और रोते फिर रहे हो। बोल आई एम द पिलर ऑफ आयरन, आई एम द पिलर ऑफ आयरन, जहां आयरन का पिलर काम करेगा कोई गिरा नहीं पाएगा, कोई गिरा नहीं पाएगा, कोई गिराया नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी आत्मा, कोई जादू टोना आपको गिरा नहीं सकता। यू आर द पिलर ऑफ आयरन, आप आयरन के खंभे हैं मेरे भाई और बहनों, और आपको इस बात को समझ लेनी। बोलो आई एम द पिलर ऑफ आयरन, हालेलुया हालेलुया हाँ। आगे गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपना बनाया है। बोलो पीतल की शहरपना, पीतल की शहरपना। बोलो वॉल्स ऑफ, वॉल्स ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज वॉल्स ऑफ, वॉल्स ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज ब्रोंज मींस पीतल, ब्रोंज मींस पीतल, ब्रोंज मींस पीतल, ब्रोंज मींस पीतल। पीतल एक कठोर धातु होती है, पीतल एक कठोर धातु होती है, स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल। पीतल इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल। ब्रोंज इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल, हालेलुया। बोलो पीतल की शहरपना, यदि आपकी शहरपना पीतल है प्रियो, तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। बोलो आई एम द वॉल्स ऑफ ब्रोंज, मैं पीतल की दीवार हूँ, मैं पीतल की दीवार हूँ, पीतल की दीवार हूँ। सब लोग कहिए मैं पीतल की दीवार हूँ, मैं पीतल की दीवार हूँ। आज आपने जानना है, आप बोलो रोज चिल्लाना है, रोज चिल्लाना है। आई एम द पिलर ऑफ आयरन, आई एम द पिलर ऑफ आयरन, आई एम द फोर्टिफाइड सिटी, आई एम द फोर्टिफाइड सिटीज, आई एम द वॉल्स ऑफ ब्रोंज, आई एम द वॉल्स ऑफ ब्रोंज। मैं गढ़वाला नगर हूँ, मैं लोहे का खंभा हूँ, मैं पीतल की दीवार हूँ, पीतल की दीवार हूँ। कोई भी मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में हमला नहीं कर सकता। चिल्लाओ चिल्लाओ, गर्जो, दहाड़ो दहाड़ो, यहूदा के सिंहों दहाड़ो, सोए हुए शेरों जाग जाओ, दहाड़ो शैतान के ऊपर में, उठाकर पटको शैतान को। आज अपने घरों से, परिवारों से, अपने मोहल्ले से उठाकर पटको शैतान को। आज तक वो आपको बीमार कर रहा था, आज से शैतान का जीना हराम कर दो। आमीन। शैतान का जीना हराम कर दो। आमीन। अपने मोहल्लों शैतान का जीना हराम कर दो। यस, आमीन। अपनी शहर पर शैतान का जीना हराम कर दो। आमीन। मैं देख रहा हूँ आप शैतान का जीना हराम कर रहे हैं। आमीन। आप शैतान की नींद हराम कर रहे हैं, आप शैतान के काम हराम कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आई एम द फोर्टिफाइड सिटी, आई एम द पिलर ऑफ आयरन, आई एम द वॉल्स ऑफ ब्रोंज। मतलब मैं गढ़वाला नगर हूँ, मैं लोहे का खंभा हूँ, मैं पीतल की दीवार अर्थात शहरपना हूँ। कोई मुझे गिरा नहीं सकता, कोई मेरी शहरपना में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं सामर्थी हूँ। आगे क्या लिखा है पढ़िए, 19 पद। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। सुनिए, बोलो शैतान लड़ेगा आकर, बीमारियां भेजेगा, तकलीफें भेजेगा, समस्या भेजेगा। आपको क्या रहना है, दीवार की तरह खड़े रहना है, लोहे का खंभा हिलता नहीं अपने स्थान से, पीतल की दीवार हिलती नहीं है। आवाज आ रही है आपको? Yes. आप क्या हो प्रियो? आजकल लोहे के खंभे भागते हैं, आजकल पीतल की दीवारें भागती हैं, क्योंकि हम साइंटिफिक युग में आ चुके हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। आज लोहे के खंभे जहां खड़े कर दी वहीं रहते हैं, पीतल की शहरपना जहां खड़ी कर दी वहीं रहती है। बोलो लोहे का खंभा हिलता नहीं है, पीतल की दीवार हिलती नहीं है, तो आप क्या हो? लोहे का खंभा हिलता नहीं है, शत्रु के सामने हिलता नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप न हिलने वाले लोग बने, आप आयरन पीलर ऑफ आयरन है। आप बोलो मैं नहीं हिलूंगा, मैं आयरन ऑफ पीलर हूं, ये समस्या से मैं हिलूंगा नहीं, ये दीवार से मैं हटूंगा नहीं। बोलो वे तुझसे लड़ेंगे आकर, शत्रु आएगा, किसी को लेकर आएगा, किसी के अंदर घुस के आएगा। आपको क्या करना है? बोलो आपको ये बात जान लेनी है, मैं तो पीतल की शहर बना हूँ, मैं तो लोहे का खंभा हूँ। जब लोग आपसे बात करें,
आप उनको बताओ कोई वायरस हम पर नहीं आएगा, हम तो पीतल की सरपना है, हम लोहे के खंभे हैं, कोई तकलीफ हम पर नहीं आएगी। लोग बोलेंगे क्यों, आई एम द पिलर ऑफ आयरन, बोलो लोगों को कहना है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो भाई तुझसे लड़ेंगे तो सही, हाँ मैं कहूंगा बीमारियां आएगी, तकलीफें आएगी, समस्याएं आएगी, शैतान अपना पूरा जोर लगाएगा, वो आपसे लड़ेगा, आपका विरोध करेगा, लेकिन क्या लिखा है आगे पढ़िए, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, हाँ, दे विल फाइट अगेंस्ट यू, दे विल फाइट अगेंस्ट यू, आपके विरोध में वो आएंगे, आपके विरोध में आपके कंपनी का मालिक आएगा, आपके विरोध में आपके मोहल्ले के लोग आएंगे, आपके विरोध में आपके परिवार के लोग आएंगे, आपके विरोध में आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके विरोध में किसी को भी मतलब किसी को भी भेजेगा, दे विल फाइट अगेंस्ट यू, वे आपके विरोध में आएंगे, हाँ बट बट दे विल नॉट ओवरकम यू, वो आप पर ओवरकम नहीं कर पाएंगे, वो आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे आप पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वे आपको जीत नहीं पाएंगे, दे विल नॉट ओवरकम यू, दे विल नॉट ओवरकम यू, बोलो वो मुझ पर ओवरकम नहीं कर पाएगा, वो मुझ पर प्रबल नहीं होंगे, सब कहे बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं होगी, कोई तो चिल्ला रहा बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं होगी, समस्या मुझ पर प्रबल नहीं होगा, झगड़ा मुझ पर प्रबल नहीं होगा, विरोध मुझ पर प्रबल नहीं होगा, जादू टोना आमीन, जादू टोना मुझ पर प्रबल नहीं होगा, बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं होगी, वायरस मुझ पर प्रबल नहीं होगा, दे विल नॉट, दे विल नॉट, दे विल नॉट ओवरकम मी, सब कहे ओवरकम मी, दे विल नॉट, दिस इज विल नॉट ओवरकम मी, वे मुझ पर प्रबल नहीं होंगे, कोई तो चिल्ला है बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं होगी, कोई तो चिल्ला है जादू टोना मुझ पर प्रबल नहीं होगा, कोई तो चिल्ला है तकलीफ मुझ पर प्रबल नहीं होगी, कोई तो चिल्ला है गरीबी मुझ पर प्रबल नहीं होगी, कोई तो चिल्ला है अंधकार मुझ पर प्रबल नहीं होगा, कोई तो चिल्ला है झगड़े मुझ पर प्रबल नहीं होंगे, कोई तो चिल्ला है नशा मुझ पर प्रबल नहीं होगा, कोई तो चिल्ला है व्यभिचार मुझ पर प्रबल नहीं होगा, कोई तो चिल्ला है मैं आजाद हूँ, बोलो दे विल नॉट ओवरकम मी, आगे क्योंकि बचाने के लिए फॉर आई एम विद यू, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही यह वाणी है, हाँ डिक्लेयर्स द लॉर्ड, परमेश्वर इस बात की डिक्लेयर कर रहा है, इस बात की घोषणा कर रहा है, सब बोले परमेश्वर घोषणा कर रहा है, परमेश्वर घोषणा कर रहा है, परमेश्वर घोषणा कर रहा है, तुझे बचाने के लिए मैं हूँ, आई एम विथ यू टू डिलीवर यू, आई एम विथ यू टू डिलीवर यू, आई एम विथ यू टू डिलीवर यू, आई एम विथ यू टू डिलीवर यू। प्रियो आपको आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आज गाने की जरूरत है कि सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। कितने लोग आज डरे और घबराए हुए, मैं आपको कहना चाहता हूँ आज आप डरी और घबराई मत, आज आप गीत गाए सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, आज आप गीत गाए याकूब का परमेश्वर मेरे संग है, आज आप गीत गाए वो परमेश्वर यहोवा मेरे संग है, आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आज आपको बचाने के लिए है, वो कह रहा है आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ टू डिलीवर यू, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें छुटकारा देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, डिक्लेयर्स द लॉर्ड, परमेश्वर इस बात की घोषणा कर रहा है, बोलो डिक्लेयर कर रहा है, घोषणा कर रहा है परमेश्वर, घोषणा कर रहा है, हालेलुया। प्रियो इन वचनों को लिख लो, प्रियो ये अलौकिक जीवन शैली बोली नहीं जाती, अलौकिक जीवन शैली की जाती है, जी जाती है, जो कुछ आज आप घोषणा कर रहे हो उसको प्रैक्टिकल में लेकर आइए, जो कुछ आप बोल रहे हो आज उसको प्रैक्टिकल करिए, आज बैठ जाइए रात में एक घंटा, मोबाइल को साइड से फेंक कर एक घंटा टूट पड़े जो जो तकलीफें आपके उसके ऊपर में, यदि आपको समझ नहीं आता तो आप प्रेयर टावर पे कॉल करें पूछें मैं क्या करूं, आपको समझ नहीं आता तो आप प्रेयर टावर के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेजें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से आप अलौकिक जीवन शैली को बिताएं। प्रियो आज अलौकिक जीवन शैली का पाठ सेवन था, सब बोली अलौकिक जीवन शैली पाठ सेवन था, आज अलौकिक जीवन शैली का पाठ सेवन, पत्रस ने कहा तुमने ये सब कुछ अज्ञानता में किया, हमने आज अज्ञानता के विषय में देखा, आज हमने अज्ञानता के विषय में कि शैतान अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, हम अज्ञान रहेंगे उसके लिए अवसर देंगे,
द्वार खोलेंगे और वो हमला करेगा, लेकिन परमेश्वर हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। हमें उसका सामना करना है, हमें उसका विरोध करना है। तो प्रियो, इस संदेश को आप फिर से एक बार सुनिएगा। सभी लोग से मैं कहना चाहता हूँ, इस संदेश को एक बार फिर से सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इस संदेश को प्रैक्टिस करें, मेरा बिलीव है यीशु मसीह के नाम में ये संदेश आपको शैतान की हर एक जंजीरों से, गुलामियों से, अंधकार की दुष्टात्माओं की शक्तियों से, जादू की शक्ति से आज़ाद कर देगा। आज प्रियो डरने की जरूरत नहीं, आज आपको अड़े और खड़े रहना है। सब लोग कहीं मुझे अड़े और खड़े रहना है, मुझे अड़े और खड़े रहना है, मुझे अड़े और खड़े रहना है, मुझे अड़े और खड़े रहना है। तो इन्हीं वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग आत्मा में उठ खड़े हो रहे हैं, आज से आप शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करेंगे और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे। मेरा विश्वास है कि आज बहुत सारे लोग आत्मा में उठ खड़े होने वाले हैं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में उठ खड़े होने वाले हैं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ने वाले हैं। मैं सबको आशीष देता हूँ।